फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा चॉकलेट बर्फी, जो कि बहुत इजी है इसको बनाना। हम लोगों को लगता है, मार्केट में मिठाइयाँ देखते हैं तो लगता है हम इनको बना नहीं सकते, लेकिन बहुत ही आसान होता है मिठाइयों को घर पर बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मावा चॉकलेट बर्फी। मावा चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है पिसी हुई चीनी, ये ली है मैंने आधा कप से, थोड़ी सी कम है, 150 ग्राम मावा लिया है मैंने, एकदम ताज़ा मावा है ये। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है मैंने, एक बड़ा चम्मच देसी घी, एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये कोको पाउडर लिया है मैंने। मावा मैंने दो जगह लिया है, तो दूसरी जगह जो मैंने लिया है वो ज़्यादा लिया है, 250 ग्राम मावा लिया, और एक कप फुल मैंने चीनी ली है पिसी हुई। तो सबसे पहले गैस पे मैंने पैन को रख लिया है और पैन गरम हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मावा, और मावे को अच्छे से हम भूनना है अभी हमें, तो इसको हम भून लेते हैं। बिल्कुल सिम रखना है गैस को, नहीं तो मावा जल जाएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं, मैं कंटिन्यू इसको चलाती जा रही हूँ, तो मावा देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये पाउडर शुगर डाल देती हूँ। अब पाउडर शुगर डालने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाती। गैस को हम सिम ही रखेंगे बिल्कुल, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, चला लेंगे अच्छे से, और कंटिन्यू उसको चलाते रहना है हमें बिल्कुल सिम गैस पे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। तो ये देखिए सूखने लग गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, 1 मिनट और बस इसको ऐसे ही चलाएंगे। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और फिर हम इसको जमने के लिए रख देंगे। तो मावा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है जमने के लिए। तो मैंने एक स्टील की प्लेट में घी लगा दिया है, देसी घी चारों तरफ, और इसमें मैं जमने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने इसमें ये बर्फी को जमने के लिए रख दिया, और इसको कम से कम हम 1 घंटे के लिए कहीं पर भी रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है, ये जो वाइट वाली बर्फी थी और ये सेट हो गई है, तैयार हो गई है बनके। और अब हम चॉकलेट बर्फी बनाएंगे, और उसी पैन को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है, और उसमें मैं देसी घी डाल लेती हूँ। गैस को मैंने बिल्कुल सिम रखा है, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये मावा, और मावे को अच्छे से मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है, और इसमें मैं ये पाउडर शुगर डाल देती हूँ, और कोको पाउडर भी डाल देती हूँ मैं इसमें। कोको पाउडर डालने के बाद, सारी चीज़ें डालने के बाद, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल गैस को सिम रखना है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने चला लिया है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ, और इसको हम जो वाइट बर्फी है उसके ऊपर डाल देंगे, इसे इसके ऊपर डाल देंगे हम, और इसको चारों तरफ फैला देंगे। और चॉकलेट मावा की लेयर डालने के बाद अब हम फिर से इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए कहीं पर भी, फिर उसके बाद हम इसको काट लेंगे। तो देखिए 1 घंटा हो गया है और हमारी बर्फी तैयार हो गई है बिल्कुल। तो मैं इसको काट लेती हूँ, छोटे बड़े जैसे भी आप पीस खाएं वैसे इसको शेप में काट लें। बर्फी को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, और अब मैं इनको निकालती जाऊँगी एक एक करके प्लेट में। मावा चॉकलेट बर्फी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, तो आप भी मावा चॉकलेट बर्फी को घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।